भागलपुर पर्वती माँ बुढ़िया काली पूजा समिति के कोषाध्यक्ष और भागलपुर में हिंदू हृदय सम्राट के नाम से चर्चित कामेश्वर प्रसाद यादव का बुधवार की शाम निधन हो गया। कामेश्वर प्रसाद यादव केंद्रीय काली महारानी पूजा महासमिति के प्रधान संरक्षक भी थे। उनके निधन से काली पूजा महासमिति समेत पूरे जिले और हिंदू समाज में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि शहर में हर जाति धर्म के लोगों के बीच भी यह खबर चर्चा का विषय बना रहा। बता दें कि भागलपुर में होने वाली काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा का नेतृत्व पर्वती की बुढ़िया काली की प्रतिमा करती है और कामेश्वर यादव इस शोभा यात्रा की अगुवाई करते आए हैं, जिससे युवाओं के साथ हर वर्ग के लोग शोभा यात्रा में बड़े उत्साह से शामिल होते रहे हैं। एक समाज सेवी के रूप में भी कामेश्वर यादव की अलग पहचान रही है, जिससे अलग अलग धर्म के लोगों के बीच भी उनको काफी सम्मान मिलता रहा है। लेकिन 3 जनवरी की शाम लंबी बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद कई लोग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करते दिखाई दिए। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बी कार्तिकेय धनजी मंगलवार की देर रात भागलपुर पहुंचे, जिसके बाद बुधवार की सुबह प्रबंध निदेशक जिले के कई स्कूल पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया। इस दौरान बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के MDB कार्तिकेय शहर के जिला स्कूल, राजकीय बालिका इंटर विद्यालय, मारवाड़ी पाठशाला, जगलाल उच्च विद्यालय, रामकृष्ण मध्य विद्यालय पहुंचे और स्कूल का निरीक्षण करने के बाद विद्यालय प्रबंधन से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई तरह की जानकारियां ली। साथ ही बिहार शिक्षा परियोजना के प्रबंध निर्देशक ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वही निर्देशक बी कार्तिकेय शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण केंद्र डायट भवन भी पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लिया। इसके बाद बरारी किलकारी बाल भवन का निरीक्षण करने के बाद प्रबंध निर्देशक नवगछिया साहू पर्वत्ता के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि इसके अलावा भी उनके द्वारा कई स्कूलों और शिक्षा विभाग के भवन का निरीक्षण किया जाना है, जबकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने को लेकर निर्देशक ने इससे जुड़ी कई तरह की जानकारी ली और विकास कार्य कराए जाने की बात कही। साथ ही स्कूल भवन के जर्जर हिस्से को तोड़कर उसका नया निर्माण कराने का निर्देश दिया गया। भागलपुर नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र निवासी मुकेश कुमार यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक मुकेश यादव को सीने में 3 गोलियां मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना चापर दियारा में हुई है, जिसकी जानकारी मिलते ही नवगछिया पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक मुकेश कुमार यादव के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूरी करता था और बुधवार की सुबह वह अपने खेत पर किसी काम से गया था, जहां पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उसे अपने गोलियों का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना को लेकर प्रशासनिक चहलकदमी भी काफी बढ़ गई है, जबकि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रणनीति बनाने में जुट गई है। इधर इस तरह की घटना व गोलीबारी से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है, जबकि चुनावी वर्ष होने के कारण इस तरह के वारदात बढ़ने की आशंका से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। पता नहीं है, जो सुबह पता लगा क्या एक्सीडेंट हो गया, अथी हो गया, मर्डर कर दिया। किसी से कोई दुश्मनी सुबह? अब क्या पता नहीं, पता ये सुबह पता लगा। कहाँ आए थे? ससुराल आए थे अपने क्या? नहीं, तो खेत घूमने के लिए गया था। क्या नाम था इनका? मुकेश यादव। क्या कहाँ पर मारा है गोली? कलबलिया पुल पर। कौन थाना? रंगरा थाना। रंगरा थाना। पता नहीं चला कहाँ है मारा है? नहीं पता चला सर। क्या काम करते थे? मजदूरी करते थे। बाल बच्चा क्या कुछ है? बाल बच्चा परिवार है? चार गो। क्या नाम हुआ आपका? सुमारी जगह। पिताजी का नाम क्या? अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं,
पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। लगातार बढ़ती ठंड और कनकनी के कारण जहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सड़कों पर कुआशे एवं धुंध से वाहनों के परिचालन पर भी खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। विक्रमशिला सेतु, बाईपास और सभी हाईवे पर तेज हवाओं और धुंध के कारण कम संख्या में वाहन दिखाई दे रहे हैं, जबकि जरूरी सामग्री के वाहनों की रफ्तार पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इधर शहरी क्षेत्र में ठंड के कारण लोगों को आग और रूम हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा बुधवार के दिन हवाओं की गति कम रही। सबौर के कृषि विश्वविद्यालय मौसम विभाग के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 4 से 8 जनवरी के बीच तापमान में लगातार कमी बनी रहने की संभावना है, जबकि सुबह में कोहरा होने के साथ दिन में धूप भी खिला रहेगा। भागलपुर एवं आसपास के जिले में भी 5 से 6 जनवरी के बीच पश्चिमी हवा के कारण हल्की बूंदाबांदी या बारिश की संभावना है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव में भूमिहीन गरीब परिवार के एक वृद्ध की ठंड के कारण मौत हो गई। घटना की जानकारी राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद मेराज को मिलने पर वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि 12 दिन पूर्व अंचलाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा कासिमपुर गांव में बिहार सरकार की जमीन पर रह रहे लोगों से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया था, जिसके बाद सभी भूमिहीन मुस्लिम समुदाय के लोग खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हो गए। बुधवार की सुबह कड़ाके की ठंड के कारण वृद्ध शेख फरीद की मौत हो गई और कई लोग ठंड के कारण बीमार भी हैं। भूमिहीन परिवारों ने जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार से जल्द भूमि उपलब्ध करवाने की मांग की। मौके पर मुस्लिम समुदाय के कई भूमिहीन परिवार मौजूद थे। एक प्रशासनिक मार है, ये लोग सभी भूमिहीन थे जिनको प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त किया गया, सबका घर तोड़ दिया गया, कोई आश्रय नहीं था ये लोग, और दूसरे के दरवाजे पर चुके पेशेंट था, वृद्ध थे, नहीं जा सकते थे, इसलिए इस ठंड में ही रहे और इस अफसोस में खाना पीना भी जो बताई बच्ची बंद कर दिया, और इसके कारण और ठंड का प्रकोप भी इधर एक सप्ताह में जब से टूटा तब से ज़बरदस्त बढ़ गई, जिसके कारण वो बर्दाश्त नहीं कर सका। वृद्ध और इसके पास उतना कपड़ा लत्ता भी नहीं था, सारा चीज़ तो रद्दबद्ध है, इसके कारण आज इसकी मृत्यु हो गई। कैसे मराई? कुछ दिन से अपने मर गया, खाना पीना खाया ना, टेंशन से खत्म हो गया, कैसे खत्म, खाने पीने खता है। कौन है वो? पा मेरा अब्बा। क्या नाम है? मोहम्मद फरीद।